हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओलंपियाड केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और उसमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी वहीं पर डिस्कस की थी। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के मैंने आप लोगों को तीन मेथड बताए थे, विजुअल मेथड, सेकेंड हिट एंड ट्रायल मेथड और थर्ड एल्जेब्रिक मेथड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मूल कॉन्सेप्ट में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकेंड लॉ है अपने पास लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स्ड और कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था ये। ठीक है, क्लियर। अब क्या स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं हम इसका। स्टेटमेंट क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास टू फॉर्म अ कंपाउंड इररेस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्स। ठीक है, मतलब ना तो ये सोर्स पर डिपेंड करेगा ना ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर डिपेंड करेगा। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। स्टेटमेंट क्या है अपने पास? Atoms of different elements are combined in a fixed ratio by mass to form a compound irrespective of source and method of preparation. क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, इस बात को समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल H2O, मैं यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल H2O, अगर आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ग्राम इस मॉलिक्यूल में, और ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। सिंपलेस्ट रेशियो देखें बाय मास, मतलब मास का सिंपलेस्ट रेशियो देखें, रेशियो बाय मास क्या आएगा? 1:8। ये जो रेशियो है वो क्या है? रेशियो बाय मास। तो जोसेफ प्राउस्ट ने जो स्टेटमेंट दिया उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन होंगे, केमिकली कंबाइन होंगे, तो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। इज इट क्लियर? जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 बाय मास क्या होंगे, केमिकली कंबाइन होंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? तो H2O बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन होंगे। ठीक है, अब ये ना तो सोर्स पर डिपेंड करेगा ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर डिपेंड करेगा। इसका क्या मतलब है? मैं वाटर मॉलिक्यूल कहां से ले सकता हूं? टैप वाटर उसका सोर्स हो सकता है, सी उसका सोर्स हो सकता है, पैकेज्ड वाटर्स का सोर्स हो सकता है, रिवर से मैं ले सकता हूँ, पॉन्ड से मैं ले सकता हूँ, यहाँ से, इनमें से किसी भी सोर्स, ये सब क्या हैं? सोर्स। किसी भी सोर्स से मैं क्या ले सकता हूँ? वाटर उठा सकता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल ला सकता हूँ, लेकिन उनमें रेशियो बाय मास क्या रहेगा? बिल्कुल फिक्स रहेगा। मतलब आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से वाटर मॉलिक्यूल लेके आएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। सेकेंड,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर भी ये डिपेंड नहीं करेगा, वहाँ पर भी ये चेंज नहीं होगा। कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर मैं हाइड्रोजन की डायरेक्ट रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा देता हूँ तो क्या बनेगा, H2O। ठीक है, इक्वेशन को आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर से जो H2O मिलेगा उसमें रेशो क्या होगा, 1:8। आप लोग इसको न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl+H2O। यहाँ पर भी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो बाय मास क्या होगा, 1:8। आप लोग अगर NaHCO3 को डिकम्पोज करते हैं तो ये देगा Na2CO3+CO2+H2O। यहाँ पर से जो वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे उनमें भी रेशो बाय मास क्या रहेगा, 1:8। कहने का मतलब यह है, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब कि आप वाटर मॉलिक्यूल कहीं से भी लें और किसी भी सोर्स से इसको प्रिपेयर, सॉरी किसी भी सोर्स से इसको लें या किसी भी मेथड से आप लोग इसको प्रिपेयर करें, हमेशा उस मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका रेशियो बाय मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर इस रेशियो बाय मास में जो भी उनका रेशियो बाय मास है उसमें वो कंबाइन होते हैं तो वो एक फिक्स कंपाउंड बनाएंगे, जैसे H2O। अगर 1:8 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, H2O। इज इट क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 में अगर आप लोग रेशियो बाय मास देखते हैं तो वो आएगा 3:8। रेशियो बाय मास क्या आ जाएगा, 3:8। अब सोर्स कुछ भी हो सकता है, एटमॉस्फेयर से आप लोग ले सकते हो, एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, आप किसी सिलेंडर से ले सकते हैं इसको, CO2 सिलेंडर से। ठीक है, तो कहीं से भी आप लोग किसी भी सोर्स से इसको लेकर आएंगे, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास क्या रहेगा, 3:8। अगर मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं तो कोल का कंबशन कराने पर आपको मिलेगा CO2, इस CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा, 3:8। अगर आप लोग CaCO3 को डिकम्पोज करेंगे हीट की प्रेजेंस में तो CaO+CO2 देगा, वहाँ पर भी रेशियो क्या रहेगा, 3:8। इट मींस ना तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर ये डिपेंड करेगा रेशियो बाय मास, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ना ये सोर्स पर डिपेंड करता है ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब आप लोग कह सकते हो CO2 का फिक्स रेशियो है, वो रेशियो क्या है, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का एक फिक्स रेशियो बाय मास है वो कितना है, 3:8। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक फिक्स रेशियो बाय मास है वो क्या है, 1:8। ठीक है, जब भी इस रेशियो में एलिमेंट कंबाइन होंगे, केमिकली कंबाइन होंगे, यही मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ये फिक्स है एकदम। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन क्या ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लॉ है वो हर जगह पर एप्लीकेबल है, हर कंडीशन में एप्लीकेबल है? तो ऐसा नहीं होगा, इसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। वो लिमिटेशन क्या हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लिमिटेशन की, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या होंगी। लिमिटेशंस की मैं बात करूँ तो फर्स्ट लिमिटेशन है अपने पास, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होंगे उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आइसोटॉप्स क्या होते हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपके पास होते हैं, कौन कौन से, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, ये 3 आइसोटोप हाइड्रोजन के होते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, डेफिनेशन क्या होगी आइसोटोप की, एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट सिमिलर एटॉमिक नंबर। अब देखो, प्रोटियम के थ्रू अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल बनाता हूँ तो H2O, इसके थ्रू भी क्या बनेगा, H2O, आप इसको D2O भी लिख सकते हैं, इसको हम T2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी जगह पर हाइड्रोजन का जो मास होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर मैं क्या लूँगा, 2:16, यहाँ पर
4:16, यहां पर मैं क्या लूंगा, 6:16, इज इट क्लियर। तो ध्यान से देखो हर जगह पर रेशो क्या आ रहा है, बिल्कुल रेशो बाय मास क्या है, बिल्कुल डिफरेंट। तो ये आइसोटॉप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जब आप लोग इनका रेशो बाय मास निकालेंगे तो वो क्या आएगा, बिल्कुल डिफरेंट आएगा। इज इट क्लियर, क्या मतलब है इस लिमिटेशन का, कि पहले आप लोग बोल रहे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन होंगे तो H2O बनेगा, लेकिन 1:8 में जरूरी नहीं है, इस रेशो में कंबाइन होगा तब भी H2O बनेगा, इस रेशो में कंबाइन होगा तब भी क्या बनेगा, H2O। इज इट क्लियर, आइसोटॉप क्लियर है, आइसोटॉप मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट सिमिलर एटॉमिक नंबर। इनकी क्या होगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी लिमिटेशन में अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं तो फॉर एग्जाम्पल कार्बन भी आप ले सकते हो, कार्बन के भी 3 आइसोटॉप होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन C6 12, C6 13 and C6 14। इज इट क्लियर, ये 3 आइसोटॉप हैं, एटॉमिक मासेस इनके क्या हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसके थ्रू भी CO2 बना, इसके थ्रू भी CO2 बना और इसके थ्रू भी CO2 बना, लेकिन तीनों में ही कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल डिफरेंट आएगा। कैसे, यहाँ पर आप लोग लेंगे 12:32, यहाँ पर 13:32 और यहाँ पर 14:32, तो हर केस में रेशो बाय मास क्या होगा, डिफरेंट। इसलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन एक 3:8 में कंबाइन होंगे तो CO2 बनेगा, ठीक है, वो रेशो फिक्स नहीं है, क्योंकि ये रेशो भी हो सकता है, ये रेशो भी हो सकता है। इस रेशो में ऐड करूंगा तो इस तरह का CO2 बनेगा, इस रेशो में ऐड करूंगा तो इस तरह का CO2 बनेगा। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन की बात करते हैं, सेकेंड लिमिटेशन क्या है, द एटम्स या द एलिमेंट्स मे बी कंबाइन इन सेम रेशो बाय मास बट कंपाउंड्स फॉर्म मे बी डिफरेंट। क्या मतलब है इसका, कि एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन हो रहे हैं फिक्स रेशो में, फिर भी कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो कंपाउंड कैसे डिफरेंट हो सकते हैं देखते हैं। देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इथेनॉल की और एक मैं बात करूँ मिथॉक्सी मिथेन की, दोनों का जो मॉलिक्युलर फॉर्मूला होगा, दोनों का ही मॉलिक्युलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, ठीक है, सिमिलर होगा, क्या होगा, C2H6O, दोनों का मॉलिक्युलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6O। लेकिन अगर मैं इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, C2H5OH। यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एल्कोहल, ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की तो वो क्या हो जाएगा, CH3O CH3। ये क्या है अपने पास, ईथर, और ये क्या है अपने पास, अल्कोहल। मॉलिक्युलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, अगर रेशो बाय मास की मैं बात करूं तो दोनों में ही रेशो बाय मास क्या आएगा, 24:6 and 16। सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करें, 12:32
3:8। ठीक है, यहां पर ये इनका सिंपलेस्ट रेशियो होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो दोनों तरफ ही जो रेशियो बाय मास है वो बिल्कुल सिमिलर है। अगर मैं इस सिमिलर इस रेशियो बाय मास में मैं इनको कंबाइन करता हूं तो हो सकता है ये कंपाउंड बन जाए या हो सकता है ये कंपाउंड बने। ठीक है, स्टेटमेंट आप लोगों से क्या बोल रहा था? स्टेटमेंट ये बोल रहा था अगर आप लोग जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करेंगे फिक्स रेशियो बाय मास में तो एक ही टाइप का कंपाउंड बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है? डिफरेंट भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये ईथर और एल्कोहल जो है इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। सिमिलर क्या होता है? सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। क्या न्यूमेरिकल है? 1.8 ग्राम ऑफ अ सर्टेन मेटल बर्न इन ऑक्सीजन गिविंग 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। ठीक है, वो क्या दे रहा है? मेटल ऑक्साइड। 1.5 ग्राम ऑफ द सेम मेटल, वही मेटल है, अगर उसे हीटेड विद स्टीम गिविंग 2.5 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड shows that these results illustrate law of constant proportion। क्या मतलब है कि अगर एक मेटल है, कोई भी मेटल ले सकते हैं M, उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? O2 से, तो क्या दे रहा है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होगा? M2OX लिख सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर मेटल की वैलेंसी दी हुई नहीं है तो मैंने क्या लिखा? M2OX। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास? कोई मेटल है उसका ऑक्साइड। ठीक है, ये कितने ग्राम है? 3 ग्राम। क्लियर? ये कितना है? ये जो मेटल है ये कितने ग्राम दिया हुआ है, कितना ग्राम रिएक्ट करता है? देखो 1.8 ग्राम जो है वो किसी मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये जो मेटल है वो कितना दिया हुआ है? 1.8 ग्राम। अब देखो 1.8 ग्राम मेटल है और टोटल मेटल ऑक्साइड कितना है? 3 ग्राम। इट मीन्स ऑक्सीजन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.2 ग्राम। ठीक है, मतलब इस कंपाउंड के अंदर मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास हम लोग निकाल सकते हैं। तो रेशियो बाय मास की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? यहां पर रेशियो बाय मास मेटल और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 1.8 अपॉन 1.2। मींस ये रेशियो जो आएगा वो आएगा 3:2। इज इट क्लियर? 3:2 यहाँ से मेटल और ऑक्सीजन का रेशो बाय मास आया। ठीक है, अब मैं उसी क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ। 1.5 ग्राम ऑफ द सेम मेटल हीटेड विद स्टीम। अब मैं मेटल को स्टीम के साथ मतलब H2O के साथ हीट कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है? फिर से मेटल ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज होगी वो एक अलग बात है, हमें यहाँ से मतलब है मेटल ऑक्साइड से, फिर से मेटल ऑक्साइड बनता है। इस बार जो मेटल है वो कितना है? 1.5 ग्राम। ठीक है, और जो अपने को मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है? 2.5 ग्राम। कितना है? 2.5 ग्राम। इट मींस यहां पर अगर मैं बात करूं 1.5 ग्राम अपने पास मेटल है और 2.5 ग्राम अपने को क्या मिला है? मेटल ऑक्साइड। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन कितना रहा होगा? यहां पर 1 ग्राम ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया होगा। क्लियर? क्योंकि यहां पर क्या है, हाइड्रोजन तो रिलीज हो जाएगी, रिएक्शन कौन करेगा? सिर्फ ऑक्सीजन। इट मींस ऑक्सीजन कितना रहा होगा? 1 ग्राम। मेटल कितना रहा होगा? मेटल कितना है वो दिया हुआ है 1.5 ग्राम। टोटल मेटल ऑक्साइड जो बन रहा है वो कितना है? 2.5 ग्राम। इज इट क्लियर? 2.5 ग्राम अगर मेटल ऑक्साइड है और उसमें मेटल कितना है? 1.5 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना रहा होगा? 1 ग्राम। इज इट क्लियर? तो यहां पर मेटल और ऑक्सीजन अपने लोगों को मिल चुका है, मेटल और ऑक्सीजन का मास आप लोगों को मिल चुका है। अगर मैं रेशियो बाय मास की बात करूं तो देखो क्या आ जाएगा? 1.5 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम। क्लियर? तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3:2। दोनों तरफ मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो रहा है? बिल्कुल सिमिलर है। क्या है? बिल्कुल सिमिलर। और वो कितना है? 3:2। तो जब भी देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब भी मेटल और ऑक्सीजन 3:2 में मिलेंगे तो जो मेटल ऑक्साइड बनेगा वो क्या होगा? बिल्कुल फिक्स होगा, दोनों में कॉमन होगा। और दोनों में अगर जो कंपाउंड वो कॉमन है तो उनका रेशियो बाय मास भी क्या होगा? कॉमन होगा। इज इट क्लियर?
बात समझ में आती है। देखो यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड बना है उसमें मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास क्या आ रहा है, 3:2। यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड बना है उनमें मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास क्या आ रहा है, 3:2। तो बनने वाला कंपाउंड भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और उनमें रेशियो बाय मास भी क्या आ रहा है, सिमिलर। यही आप लोगों को प्रूव करना था, तो बिल्कुल ये सही है, दोनों लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन को फॉलो करते हैं। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन समझ में आया होगा, ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।